This call is now being recorded. तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है फ्रेंचाइजी या बिजनेस लोन। ओके, तो इस ट्रेनिंग में हम देखेंगे कस्टमर के लिए जो बेनिफिट्स हैं, जो उनके लिए इंटरेस्ट रेट और उनकी प्रोफाइल, किस तरह के कस्टमर ये लेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्या होगा, आपकी कमीशन कितनी बनेगी, इसमें क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस का, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इस लोन का प्रोसेस क्या होगा। ओके, हम जानेंगे लेंडिंग कार्ड के बारे में, हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं हम उसे भी देखेंगे। ओके, और ये जो होता है वीकेएमएस से कैसे ये प्रोसेस किया जाता है वो भी हम देखेंगे, और फिर जो टिकट रेस करनी होती है तो उसकी स्क्रीन भी देख लेंगे, उसके साथ एक चेकलिस्ट जानेंगे कि एंड ऑफ डे क्या चेकलिस्ट हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, और एस्केलेशन का मैट्रिक्स क्या है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ सको कि बिजनेस लोन क्या होता है, फ्रेंचाइजी लोन होता क्या है, आप इसे समझ सको और इसको प्रोवाइड कर सको अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो आगे बढ़ता है, पहले शुरू करते हैं कस्टमर के बेनिफिट्स के साथ, उनका इंटरेस्ट रेट प्रोफाइल। तो ये रहे कस्टमर के बेनिफिट्स। ये ऑफर होता है किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड को। ओके, यानी कि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है या वो है एक बिजनेस ओनर, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कि कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर है, जो भी है, उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो इन लोग को लोन मिल जाता है। अब लोन जो दिया जाता है ना, वो करंट ईयर के परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, पुराने रिकॉर्ड्स पे नहीं कि 3 साल क्या किया, 2 साल क्या किया, 1 साल क्या किया, नहीं, करंट ईयर में उनका परफॉर्मेंस क्या है उसके बेसिस पर। 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह का कोलैटरल नहीं है, मतलब किसी तरह की सिक्योरिटी, याद रखिए बिजनेस लोन में कभी भी कोलैटरल लगता है, यानी कि लैंड एसेट्स जो गिरवी रखना जिसे कहते हैं, जैसे कि एक तरह का सिक्योरिटी होता है, वो कोलैटरल होता है जिसके अगेंस्ट में लोन मिलता है, राइट। तो इस लोन में कोई भी कोलैटरल नहीं है, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेन्योर जो होता है वो 3 महीने से 3 साल तक का है, कस्टमर कुछ भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है। और ये बिजनेस लोन जो है ना, ये 1 लाख से लेके 50 लाख तक, इतने अमाउंट तक दिया जाता है। तो आप खुद ही देख सकते हो कस्टमर के लिए कितने बेनिफिट है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस लोन, ओके, जनरली अगर लेने जाए आप बाहर, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं, पहले हम जानेंगे प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। तो सबसे पहला बिजनेस लोन है, देखिए इसका इंटरेस्ट रेट है ना, ये 18% से लेके 27% तक है। ओके, आप सोचोगे इतना वेरियंस क्यों है, तो आपको याद होगा जब हमने सिबिल के स्कोर और सिबिल रिपोर्ट की बात की थी, ओके, उस वक्त हमने 2 चीजें की बात की थी, एक था इंडिविजुअल रिपोर्ट और एक था बिजनेस रिपोर्ट। ओके, उनका भी स्कोर होता है, इंडिविजुअल का भी स्कोर होता है। ये सिचुएशन में डिपेंडिंग के किस तरह का बिजनेस है, इंडिविजुअल स्कोर और कंपनी स्कोर दोनों देखा जाता है। ओके, उसके बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन रिस्क, अगर आपको याद होगा, इंटरेस्ट रेट वेरी होता है, यानी कि कस्टमर जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनका फाइनेंशियली जो भी क्रेडिट है वो बहुत अच्छा, रीपेमेंट का हिस्ट्री है, उनके लिए इंटरेस्ट कभी भी कम होता है, जिसका हिस्ट्री खराब है या तो स्कोर लो है उनके लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। फिर भी ये बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में जब लोगों को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है 3-6 महीने साल भर के लिए, वो 10% महीने के हिसाब से पैसे मार्केट से उठाते हैं, जो बिजनेस करते हैं ये चीज जानते हैं, इनके लिए साल का 18% या 27% तक के बीच में लेना बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ओके, और आपको बता दूं, आप किसी भी बैंक में जाओ पर्सनल लोन ले लो, वो 18% और 19% पे आता है, और किसी छोटे बैंक से लो तो वो 20% के ऊपर भी जाता है। ओके, तो मतलब इंटरेस्ट रेट इसका काफी कम है।
प्रोसेसिंग फीस है इसमें जो वन टाइम होती है, जब प्रोसेस होगा लोन उसी वक्त चार्ज होता है, ठीक है। 2.5% का वन टाइम पेमेंट है ये, 2.5%। लोन का टेन्योर 3 महीने से 3 साल तक। प्री क्लोजर के कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप लोन लेते हो और उसे आप जल्दी पे करने की कोशिश करनी है, यानी कि क्लोज करना है मुझे, ओके, लोन एक बार में ही पे कर देना है, तो क्या होता है, मुझे क्लोज करते वक्त प्री क्लोजर चार्जेस देने होंगे। क्या होगा प्री क्लोजर चार्जेस? जिसके अंदर जो टोटल अमाउंट कैपिटल होगा, ओके, इंटरेस्ट हटा दिया जाता है, ईएमआई को ब्रेक करके हटाकर सिर्फ कैपिटल देखा जाता है, उस पर 1% चार्ज किया जाता है एज ए वन टाइम इंटरेस्ट, ए वन टाइम फीस, वन टाइम चार्जेस, और वो पे करना पड़ता है कस्टमर को, ओके। यूजुअली ये 3-4% के आसपास का होता है, या कहीं कहीं उसके अंदर कुछ एडिशनल चार्जेस होता है। तो यहाँ पर ये चार्ज नहीं है, प्री क्लोजर चार्जेस, फोर क्लोजर चार्जेस नहीं है, निल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 8 लाख का टर्नओवर, मतलब पूरे साल में 8 लाख का बिजनेस होना चाहिए किसी भी कंपनी का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक नॉर्मल सा जो शॉप होता है ना, दुकान होती है, उसका भी पूरे साल में 8 लाख का टर्नओवर होता है। कैसे? देखिए, हर कोई 60, 65, 70 हजार का धंधा तो करता है पूरे महीने में, तो उनका ऑटोमेटिकली टोटल साल का टर्नओवर 8 लाख रुपया हो जाता है। हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टर्नओवर की, यानी कि बाइंग सेलिंग या प्रोडक्शन, तो उसमें जो कैपिटल लगता है उसी की सेलिंग होती है, जो पूरा ट्रांजैक्शंस हुए, ओके, वो 8 लाख का टर्नओवर हुआ है, तो उसको हम वैसे गिनते हैं। बाइंग सेलिंग जो हुआ है वो पूरा 8 लाख का हुआ होना चाहिए, प्रॉफिट उसमें जो भी हो, ओके, तो ये बहुत कम है। लोन अमाउंट 1 लाख से 50 लाख, इंस्टॉलमेंट फ्लेक्सिबल है मंथली, कोई उसमें इशू नहीं है, ओके। प्री क्लोजर जो होता है उसके कोई चार्जेस तो नहीं है, फोर क्लोजर या प्री क्लोजर। हाँ, लेकिन एक रूल होता है कि पहले 3 ईएमआई होने के बाद ही ये अलाउ किया जाता है, उसके पहले अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट, बिजनेस लोन जो हम ऑफर करते हैं, तो किस तरह के कस्टमर आते हैं हमारे पास? जैसे आप देख सकते हो, कोई शॉप ओनर है, कोई अपना ही बिजनेस सेट किए है, जैसे कि पॉटरी का बिजनेस डाला है, किसी ने वर्कशॉप डाले हैं अपने, कोई प्रोडक्शन में है किसी चीज के, कोई फूड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, इन सबको लगता है वर्किंग कैपिटल की जरूरत, ओके। तो ये एक इंस्टेंट लोन हो जाता है इनके लिए, वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, और वर्किंग कैपिटल कुछ टाइम के लिए चाहिए होता है उनको, 3 महीने से 3 साल के बीच वो ये प्रेफर करता है, ओके। अभी हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका कमीशन। देखिए, बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक कस्टमर का, अब हम देखे, हम इतना तो समझ गए थे कि टर्नओवर 8 लाख का चाहिए पूरे साल में, 12 महीने में, ओके, मतलब लोन लेने से पहले का 12 महीने का इनका टर्नओवर 8 लाख का होना चाहिए, बहुत कम है। कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसका 1 साल का टर्नओवर 8 लाख है, मतलब उसने 6 महीने से ज्यादा ही बिजनेस किया है, एक्सपीरियंस तो होगा उस इंसान को। एज जो है, जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एज 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक हो सकती है, उससे ज्यादा या उससे कम की एज में अलाउड नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, बहुत सारे बैंक 60 ईयर्स तक तो नहीं देते, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं। लोकेशन जो है, आपके केंद्र का लोकेशन, वो लेंडिंग कार्ड के सर्विसेबल एरिया में आना चाहिए। तो लेंडिंग कार्ड का एक अपना सर्विसेबल लोकेशन का लिस्ट है, ओके, आप जैसे पिन कोड डालोगे ना, आपको वहां पे आ जाएगा, जो अपना फॉर्म है उसी में आ जाता है, तो अगर वहां पे आपका आ रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक गारंटर जो है ना, वो मैंडेटरी है। अब जो गारंटर है उसके बारे में थोड़ा सा एक है रिक्वायरमेंट, देखिए अभी इतना सारा लोन ले रहे, कोई कोलैटरल नहीं, कुछ नहीं, एक गारंटर तो लगेगा ही, तो गारंटर ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। एक गारंटर जो है उसका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए,
किसी का खराब हो, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो नहीं चलेगा। ओके, और एक बात होती है ना कि गारंटर की थोड़ी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर समझिए हमारे पर्सन ने अगर लोन लिया उसने नहीं भरा तो गारंटर भरता है। ये एक, क्योंकि गारंटर का मतलब ही वही होता है, एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है, अगर गारंटर साइन करता है तो वो उसकी चीज की गारंटी ले रहा है। ओके, तो गारंटर ब्लड रिलेटिव हो, मतलब उनका फैमिली मेंबर हो, और उनका एक अच्छा स्कोर हो, सिबिल स्कोर, और लायबिलिटी उनकी बन जाएंगी अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो। ठीक है, अभी आप एक चीज याद रखिए, इसका जो अप्रूवल है ये पूरी तरह से लेंडिंग कार्ड के ऊपर है। ओके, लेंडिंग कार्ड डिसाइड करते हैं कि लोन किसको देना है, कितना देना है, जो भी चीज है ना, हर एक चीज लेंडिंग कार्ड डिसाइड करते हैं। यहां तक कि एज अ फ्रेंचाइजी आप भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस लोन आप भी ले सकते हो, मगर इसमें वक्रांगी का कोई से नहीं रहता है, हमारा इसमें कोई डिसीजन या कोई इनपुट्स या किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये पूरी तरह से सोलली लेंडिंग कार्ड डिसाइड करेंगे कि कौन एलिजिबल, अगर लोगों में से किसे लोन मिले, नहीं मिले, कितना मिले, ये सारी चीजें। अभी हम आते हैं फ्रेंचाइजी के कमीशन के ऊपर। आपका कमीशन कितना होगा? आपका कमीशन होगा 1.625%। ठीक है, 1.625% ऑफ डिसबर्स अमाउंट। डिसबर्स अमाउंट का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल होता है। समझिए फ्रेंच, अभी एक कस्टमर आपके पास आए, उन्होंने अप्लाई किया 10 लाख के लोन के लिए, उनको 10 लाख सैंक्शन हो गया, मगर उन्होंने डिसबर्समेंट लेने से पहले देखा कि उनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल 8 लाख रुपए हो चुकी है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया लेंडिंग कार्ड से कि नहीं आप सिर्फ 8 लाख ही डिसबर्स करें, मुझे उतने की ही जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ताकि आपको समझ में आए। तो ये 8 लाख रुपए ही उन्होंने लिए, तो क्या होगा, आपका कैलकुलेशन किस पे होगा? आपका कैलकुलेशन होगा 10 लाख पे, नहीं 8 लाख पे, क्योंकि वही डिसबर्स हुआ है, उनके अकाउंट पे पहुंचा है उतना अमाउंट, उस अमाउंट पे 1.625% आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी ने 5 लाख की लोन के लिए अप्लाई किया, 5 लाख सैंक्शन हो गए और 5 लाख उनके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, मतलब 5 लाख डिसबर्स हो गए, तो आपकी कमीशन कितनी बनेगी? 1.625% ऑफ डिसबर्स अमाउंट, जो है 8,125 रुपए 5 लाख के लोन के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखिए ये जो अमाउंट हम बात कर रहे हैं 8,125 रुपए, इसमें जीएसटी हमने इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड करके बताया आपको, हाँ, लेकिन इसमें टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। तो अभी हमको करना क्या है, आपको करना क्या है? ओके, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, आपको जो है ना लोगों को लाना है, बिजनेस लेकर आना है, ऐसे कस्टमर्स ढूंढने हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको ऐसे लोगों को लेकर आना है जिसको बिजनेस लोन की जरूरत है। ठीक है, आपका अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपके यहाँ पे बिजनेस लोन अवेलेबल है, आपको पूरा मार्केटिंग मटेरियल मिल जाएगा, अपने माई डाउनलोड्स में आप जाओगे, वीकेएमएस में मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग कोलैटरल पीडीएफ से, इमेजेस है, आर्ट वर्क पूरा मार्केटिंग टीम ने बना के रखा है, आप डाउनलोड करो और उसको प्रिंट करो, पोस्टर्स को, बैनर्स को लगा दो सब तरफ, ब्रोशर्स पैम्पलेट्स बांट दो सब तरफ। ओके, ताकि जो भी आ रहे कस्टमर्स आप उन्हें बता सको कि हमारे यहाँ बिजनेस लोन अवेलेबल है। ओके, आप क्या करते हो, आप सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करते हो, बुलाते हो, उनकी लीड बनाते हो, उनकी लीड आप जनरेट करते हो। ओके, यानी कि वो एलिजिबल है, यस, टर्नओवर है, यस, उनके पास गारंटर है, आपने बेसिक चीजें पूछ ली, उसने बोला हाँ ये सब है, आपने उनके डॉक्यूमेंट्स लिए, यहाँ पर दे दिए, लीड बना दी आपने उसकी, दैट सेट। ना ही आप उसके वेरिफिकेशन में जा रहे हो, ना ही रिकवरी में जा रहे हो, ना ही अप्रूवल प्रोसेस में जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे, आप सिर्फ एक लीड जनरेट करके दे दोगे आप लेंडिंग कार्ड के पास, और लेंडिंग कार्ड अपना आगे का प्रोसेस करेंगे,
और जब लोन उनको डिसबर्स होगा वो आपको आपका कमीशन दे देंगे। सो इन शॉर्ट आपको सिर्फ बिजनेस लोन के लिए लीड जनरेट करना है जिसके लिए आपको मिल रहा है 1.65% ऑफ डिसबर्स अमाउंट, जो बहुत ही बढ़िया है। ओके तो जितनी ज्यादा लीड आप जनरेट करोगे उतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट बनेंगे और उतने ही प्रोस्पेक्ट्स में से फिर एक एक्चुअल कस्टमर बनेंगे। क्योंकि अगर 100 लोग आते हैं, 100 लोग की लीड आप देते हो, उसमें से एलिजिबल होना, सही में किसी को लोन चाहिए वो हो सकता है नंबर कम हो जाए, 20 हो जाए प्रोस्पेक्ट्स जिसको अभी करंट जरूरत है, और 20 में से 10 ही ऐसे हो गए जो इमीडिएटली डिसबर्समेंट ले ले और अपना काम स्टार्ट करें, राइट। तो हमें अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करना है, ठीक है। अभी पहले हम है ना अर्निंग पोटेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कमीशन आपकी पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोन के अमाउंट पर। तो जितना बड़ा बिजनेस आप लेके आओगे, जिसको 50 लाख चाहिए तो आपका कमीशन बनेगा 50 लाख पर, जिसको 1 लाख चाहिए आपका कमीशन बनेगा 1 लाख पर। यानी कि 1 लाख में आप कमा रहे हो कितना, 1,625 रुपए। अगर यहीं पर ये कस्टमर अगर 10 लाख लेता तो आप कितना कमाते हैं, 16,250 रुपए। तो ये एक नॉर्मल सा मेथड है, बहुत ही अच्छा है। बाकी जो फ्रेंचाइजीज ये ऑलरेडी कर रहे हैं वो 6-7 हजार से लेकर ना 30-35 हजार तक कमा रहे हैं महीने में एवरेज। ओके और वो भी बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये लोग बहुत छोटे अमाउंट पे ही कर रहे हैं, मतलब बहुत ये बहुत ही कम लोन होने के बावजूद 30-35 हजार बन जाते हैं। ओके आप खुद सोचिए ना, आपके पास 2-2 लाख के अगर 4 कस्टमर आ गए तो भी आपका कमीशन बन गया 13 लाख, 13 हजार, राइट। 5-5 लाख के 4 कस्टमर आ गए, आपका कितना बन गया कमीशन, 32,500, राइट। इतना सिंपल है और आपको करना भी कुछ नहीं, सिर्फ लीड बनानी है। तो अभी हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि लीड बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, एकदम लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में हमने दिया है कैटेगरी, सेकंड कॉलम में दिया है डॉक्यूमेंट का टाइप, उसके आगे है पार्टनरशिप, सॉरी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और बाद में आता है कंपनी, LLC, OPC, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है कंपनी, एक सिंपल क्लासिफिकेशन रखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, KYC, नो योर कस्टमर, इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पर्सनल पैन कार्ड, ये चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, कंपनी हो, सबके लगेंगे पर्सनल पैन कार्ड। ओके पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स हैं सबके पैन कार्ड लगते हैं। फिर कंपनी पैन कार्ड, ये पार्टनरशिप में लगेगा और कंपनी में लगेगा, प्रोप्राइटरशिप में नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको अगर पता नहीं है, प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर होते हैं उनका पैन, उसी को एज अ कंपनी पैन ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो सिंगल इंडिविजुअल ओनर है। ओके तो उसके लिए उनको अलग से कंपनी पैन कार्ड नहीं लगेगा। सेकेंड, नेक्स्ट वन, बैंक, बैंक का स्टेटमेंट 12 महीनों का, ये सबके पास से लेना जरूरी है। उसके बाद आता है बिजनेस प्रूफ। अब देखिए सबका अलग अलग होगा, ओके लेकिन एक नॉर्मल सा लिस्ट दिया है, आपके जो बिजनेस के कस्टमर्स हैं उनको पता होगा, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑलरेडी, नहीं होंगे तो आप उनको गाइड कीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, कोई भी बिजनेस रजिस्टर होता है, GST का सर्टिफिकेशन, शॉप एस्टैब्लिशमेंट, इसको आप गुमस्ता भी कहते हैं, बाद में RC अंडर म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी का एक अलग से आता है, बाद में उद्योग आधार। ओके ग्रामीण एरिया में उद्योग आधार का बहुत ज्यादा चलन होता है, वहां पे बहुत कॉमन है। फिर ड्रग, LIC, FD, ड्रग कंट्रोल, अगर ये उनमें डील कर रहे हैं तो ये भी लगता है। तो एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, कोई अगर फूड में डील कर रहे, खाने में, तो FDA का लगता है, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका सर्टिफिकेशन लगता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन के प्रूफ होते हैं, जो उनका बिजनेस है उसके बेसिस पे वो होता है। कोई एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गए, उनकी और चीजें होगी, राइट। तो ये सबके लिए लगेगा। पार्टनरशिप डीड सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को लगेगी, ठीक है। अब गारंटर का पैन सभी के लिए चाहिए, चाहे वो जेंडर
अगर फीमेल है तो भी गारंटर्स का पैन कार्ड लगेगा। एज ग्रुप जो है गारंटर की वो कितनी है, 30 से ऊपर 60 से नीचे, ओके। जिसकी एज 30 से अबव है, ओके, और 60 ईयर्स से कम है, सिर्फ वही लोग गारंटर बन सकते हैं। पहले ही हमने क्राइटेरिया देखा है, ब्लड रिलेटिव जिसका पैन सॉरी जिसका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, ओके, और वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में गारंटी ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं कि अगर कस्टमर ने नहीं भरा तो वो लायबल है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में और जो आएगा एड्रेस प्रूफ, उसमें आधार, पासपोर्ट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अगर कोई रेंट पर है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, यूटिलिटी बिल्स, ये सारी चीजें लगेगी। प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कंपनी सब में लगेगा, ओके। लोन अमाउंट जिसमें 10 लाख रुपए से ऊपर है, 10 लाख से नीचे अगर है तो ये रिलैक्सेशन है, अगर 10 लाख से ऊपर है तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा लगती है। क्या है, एक है जीएसटी का रिटर्न फॉर लास्ट 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो 4 क्वार्टर का चाहिए, यानी कि लास्ट 1 ईयर का पूरा ले रहे हैं हम। और आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो लास्ट 2 साल का लगेगा, अगर 10 लाख या उसके ऊपर का अमाउंट है तो, ओके। और जो है अगर कंपनी है तो उसमें आपको लगेगा एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके, एओए, सीओआई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के पास हो गए जो आपको लगेंगे। अभी इसका प्रोसेस देखते हैं। आपने इनपुट कर दिया डिटेल्स वीकेएमएस पर, स्कैन डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, ठीक है, मतलब आपने किसी को पूछा लोन चाहिए, यस, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओ, आपने लिए डॉक्यूमेंट्स, उसे स्कैन किया, एक लीड बनाई, स्कैन डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, बस लीड बन गई, वो चली गई आगे लेंडिंग कार्ड के पास, आपका काम खत्म। अभी कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर का ये जो डिटेल्स है ये मिल जाएगी लेंडिंग कार्ड को, लेंडिंग कार्ड का जो कॉल सेंटर है वो उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, ओके। और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए या और भी जो भी प्रूफ उनको लगते होंगे वो उनसे डायरेक्टली उसके बाद मांग लेंगे, कि आपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लिस्ट थी आपने वो कर दिए फुलफिल, बाकी का काम उनका है, वेरिफिकेशन और वो सारी चीजें, तो डॉक्यूमेंटेशन उनसे कर लेंगे। नेक्स्ट एक बार ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन आ जाता है, उसके बाद में वो उनकी सिविल रिपोर्ट्स भी पुल करेंगे, तो सिविल चेक होगा इंडिविजुअल या कंपनी या दोनों, ये उनका कॉल होगा। तो ये सारी चीजें एक बार हो गई, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, देख लिया कि हाँ ये कस्टमर का एलिजिबिलिटी कितने का होना चाहिए, ओके। उसके बाद वो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनको रीजन दे देंगे कस्टमर को कि एक्स वाई जेड रीजन वी हैव रिजेक्टेड योर रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर अप्रूव कर रहे हैं तो आगे के स्टेप्स पर ले जाएंगे, अप्रूवल का कंफर्मेशन आ जाएगा, एसएमएस, ईमेल, सारी चीजें, और फिर उनको एक सैंक्शन लेटर, ओके, कस्टमर को एक सैंक्शन लेटर दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आपके लिए सैंक्शन हुआ है, ओके। जरूरी नहीं है कि अगर 20 के लिए अप्लाई किया तो 20 सैंक्शन हो जाए, डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस हो सकता है 15 ही सैंक्शन हो, ओके, या ऐसे हो सकता है कि मांगा है 10 लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मतलब इस कस्टमर को तो 20-25 भी दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि 10 ही मांगा है तो 10 ही सैंक्शन होगा, राइट। तो ऐसा होगा, सैंक्शन लेटर मिल गया कस्टमर को। अभी इसके बाद सैंक्शन होने के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक होता है एग्रीमेंट, लोन का एक एग्रीमेंट होता है लेंडिंग कार्ट और कस्टमर के बीच, तो इन दोनों के बीच में एक साइंड एग्रीमेंट होगा, ई साइन इन प्रोसेस होगा। उसके बाद में कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कस्टमर से, ओके, और फिर वो अमाउंट डिसबर्स होगा, ये है प्रोसेस। अभी लेंडिंग कार्ड ने चलो अमाउंट डिसबर्स कर दिया, ओके, कस्टमर के बैंक अकाउंट में, अभी कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर इसको मंथली ईएमआई पे करेंगे, जो जो डेट उन्होंने मेंशन की है लेंडिंग कार्ड को, जो पहले ही डिसाइड हो चुका है वो सारी चीजें वो फॉलो होगा, तो ये नैच के थ्रू होता है, तो ईसीएस जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ईसीएच,
ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ओके, इज द सेम थिंग, नैच, मतलब ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है लेंडिंग कार्ड को, ओके. अब समझिए किसी कारणवश इस कस्टमर ने मिस कर दिया, पे नहीं कर पाए. देखिए एक प्री ड्यू कॉलिंग जिसे कहते हैं, यानी कि आपका लोन अमाउंट ड्यू है, इस डेट पर आपको भरना है, ये आपका ड्यू डेट है, उसके पहले ही कम्युनिकेशन कस्टमर को पहुंचाया जाता है एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए, या सारे यूज किए जाते हैं, जिसमें इन्फॉर्म करते हैं कि प्लीज मेंटेन कीजिए एक्स वाई जेड अमाउंट ताकि आपका ईएमआई टाइमली पे हो सके, ओके. और अगर वो कस्टमर मिस करते हैं उसके बाद भी कम्युनिकेशन जाता है उन्हें कि आप इतने दिनों में ये पे कर सकते हैं ताकि आपको कोई एडिशनल चार्जेस ना लगे, ओके. दिस दीज आर नॉर्मल स्टेप्स किसी भी कलेक्शन के लिए या लोन अमाउंट जो हम ईएमआई ले रहे हैं उसके लिए, ओके. तो उसके बाद में भी अगर कस्टमर नहीं दे रहे तो कस्टमर को इन्फॉर्म करते कि ओके, आप मैन्युअली भी पे कर सकते हो, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है फील्ड से वो आ जाएंगे, आपसे चेक ले लेंगे और आप मैन्युअली चेक बनाकर दे दीजिए, वहां से हम पेमेंट ले लेंगे, ओके. अगर वो भी वो कस्टमर नहीं कर पा रहे तो आफ्टर सर्टेन डेज ये बकेट्स होते हैं, तो वो हर एक कंपनी अलग बकेट्स फॉलो करती है, मोस्टली 30, 60, 90 डेज बकेट होते हैं, उसके बाद में राइट ऑफ में जाता है, ओके. तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं हर एक कंपनी के, तो जिसमें वो अपनी कलेक्शन की फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर देते हैं, ओके. कलेक्शन की फॉर्मेलिटीज पहले ईएमआई के लिए की जाती है, फिर मल्टीपल ईएमआई के लिए की जाती है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद पूरे लोन अमाउंट के लिए की जाती है, ठीक है. तो ये उनका काम है. तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये पूरे प्रोसेस में आपका एज अ फ्रेंचाइजी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. आप कस्टमर को कॉल करके आप रिकवरी करने के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, वो आपका काम नहीं है, ना ही वक्रांगी का काम है. हमारा काम है सिर्फ लीड जनरेट करके लेंडिंग कार्ड को देना, और ये पूरा प्रोसेस लेंडिंग कार्ड का है, उनका कॉल है, उनका राइट्स है, उनका डिसीजन है किसे लोन मिले और रिकवरी कैसे हो बेसिस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस, वो प्रोसेस उनका है. तो एक बार कस्टमर ने सब कुछ क्लियर कर दिया, पेमेंट क्लियर हो गई, तो जो एनओसी होता है या लोन क्लोजर का जो लेटर होता है वो लेंडिंग कार्ड से कस्टमर को दिया जाता है, ओके. सेम चीज उनके बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट करती है. अभी हम लेंडिंग कार्ड के बारे में जानते हैं, हमने बिजनेस लोन तो समझ लिया, और लेंडिंग कार्ड दे रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. देखिए वक्रांगी का और लेंडिंग कार्ड का एक टाइप हुआ है, ओके. तो ये टाइप ऐसे हुआ है कि हमारा ऑलरेडी नेटवर्क है, 21,000 से भी ज्यादा हमारी फ्रेंचाइजीज है, और इतना बढ़िया नेटवर्क है कस्टमर्स में, तो जहां पर हम लीड जनरेट करें और इनको दे दें, और ये अपना जो बिजनेस है वो अपना खुद ही कैरी आउट करे, ठीक है. तो यही हमारा टाइप है, तो इसमें हमारी लायबिलिटी और कुछ नहीं रहती, हमारा टास्क होता है सिर्फ लीड जनरेट करके देना, लीड को क्वालिफाई करना, और उसके लोन देना नहीं देना, कितना देना, और फिर वो लोन डिसबर्स करना, ये पूरा काम लेंडिंग कार्ड का होता है, ओके. और सिर्फ डिसबर्स अमाउंट के लिए कमीशन वक्रांगी के फ्रेंचाइजीज को मिलती है. ऑलराइट, तो ये तो हम समझ गए कि क्या टाइप किस तरह से है. लेंडिंग कार्ड के बारे में देखते हैं. लेंडिंग कार्ड जो है एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो एस्टैब्लिश हुई है अप्रैल 2014 में. इनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, एक लेंडिंग कार्ड का बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि थिंक कैश थिंक लेंडिंग कार्ड. बिजनेस के लिए जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है वो फिंगर टिप्स पे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मिल सके. इंडिया में जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे बड़े सारे मिक्स, वो 1 लाख से 50 हजार 3 महीने या 3 साल के लिए ले सके, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से, ओके. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया, ओके. तो ये कितनी सिटीज में है, 1700 से भी ज्यादा सिटीज में है. लोन कितने डिसबर्स हुए हैं अभी तक, 2.5 लाख से ज्यादा ये लोन डिसबर्स कर चुके हैं. और आपको एक बता दूं, इनके 50
परसेंट जो लोन है वो छोटे छोटे बिजनेस में दिए गए हैं। तो मतलब एक मिक्स है, मीडियम बड़े बिजनेस को भी मिल रहा है, बट 50% लोन जो गए हैं ना वो सारे छोटे बिजनेस में गए हैं। इट्स अ गुड न्यूज। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख से 50 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से 27%, ओके। और इसका लोन किसको मिल सकता है, अगेन किसका कॉल है, ये लेंडिंग कार्ड का। अगर आपको भी लेना है एज अ फ्रेंचाइजी आप भी ले सकते हो, बट वक्रांगी का कोई से नहीं रहेगा, पूरी तरह लेंडिंग कार्ड का डिसीजन होगा। क्या अगर कस्टमर के पास फंड्स नहीं है, सॉरी, क्या अगर कस्टमर को फंड्स इमीडिएटली नहीं चाहिए तो भी क्या हुआ, वो इवैल्यूएशन करा सकते हैं, ओके। और इवैल्यूएशन करा कर रेडी रख सकते हैं डिसबर्समेंट, राइट। मतलब डिसबर्समेंट जब चाहिए तब हो जाएगा, उनको सैंक्शन हो जाएगा, लेटर, सैंक्शन लेटर आ जाएगा, अब वो लोन ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है वो बाद में कर लेंगे, मतलब जब वो बोलेंगे कि मुझे अभी 1 हफ्ते के बाद चाहिए तो 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगा वैसा। क्योंकि देखिए, जब भी लास्ट मोमेंट पे आप लोन लेने के लिए भागोगे तो आप पूरा प्रोसेस करते बैठोगे, और हो सकता है उस वक्त आपके पास कंसाइनमेंट हो, परचेज के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, या प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए होगा, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए होगा, ओके। उस वक्त इमीजिएटली लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए तो लोग मार्केट से पैसे उठाते हैं, 10-10, 20-20% महीने का देते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। तो वो यहीं पर मिल रहा है, लेकिन साल में 18 से 27% है। जस्ट लुक एट इट, कितना ज्यादा बेनिफिट है आपके कस्टमर को, कितना जल्दी मिलेगा लोन, 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज में कस्टमर को लोन मिल जाएगा। अगर सारी चीजें जो हमें चाहिए वो बराबर से है, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। कस्टमर कैसे रीपे कर सकते हैं, नैच के थ्रू होगा, उनके डायरेक्टली अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डेबिट होता है, ओके। और रीपेमेंट के और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो जो ऑप्शन है मंथली पेमेंट का ही ऑप्शन रखा है रीपेमेंट का, ठीक है। सैंक्शन लेटर किस सैंक्शन सैंक्शन लिमिट, ओके, किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा, ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। करंट ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पे दे रहे हैं क्या पिछले 10 साल 3 साल में क्या किया, नहीं, करंट ईयर में इस पर्टिकुलर बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, ओके। क्रेडिट रिपोर्ट आती है बिजनेस की, वो देख सकते हैं, तो पता चलता है कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, क्या इसके कोई प्री क्लोजर चार्जेस हैं, नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। सिर्फ एक रूल है, 3 EMI के बाद आप कभी भी इसे क्लोज करो। व्हाट हैपेंस इफ वी डू, व्हाट हैपेंस इफ ड्यू टू एनी रीजन कस्टमर इज अनेबल टू पे, ओके। क्या होगा अगर कस्टमर किसी भी कारण से पैसे नहीं दे पा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया लेंडिंग कार्ड अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो सेट डेट है उसका रिमाइंडर जाएगा, ईएमआई के लिए ट्रांजैक्शन होगा, अगर बाउंस होता है पहले रिक्वेस्ट जाएगी कि आप ऑफलाइन पे कर दो, मैनुअली पे कर दो हमारे फील्ड स्टाफ को, अगर वो भी मिस हो रहा है तो रिकवरी के स्टेप्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो वो पूरी रिकवरी जो है वो लेंडिंग कार्ड खुद करेंगे, ओके। इसमें वक्रांगी या फ्रेंचाइजी का कोई लायबिलिटी नहीं है, आप प्लीज इस बात को समझ लीजिए, ओके। और अगर कस्टमर का कोई फेलियर हो रहा है पे करने में, ये पूरी तरह से लेंडिंग कार्ड का कॉल होगा कि वो उसे कैसे डेट को रिकवर करे। अभी वीकेएमएस की कुछ स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। आप वीकेएमएस पे लॉगिन करेंगे यूजर अपना वीके आईडी और पासवर्ड के साथ, आप जाएंगे फाइनेंशियल सर्विस में, नीचे होगा लेंडिंग कार्ड, नीचे होगा लोन एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक किया आपने, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करते ही कस्टमर टाइप आएगा, यहाँ पे दो टाइप है, एक है फ्रेंचाइजी, एक है कस्टमर। अभी देखिए, बिजनेस लोन सिटीजन अगर है तो वो बिजनेस लोन है, फ्रेंचाइजी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो फ्रेंचाइजी लोन, यानी कि आप
तो आप भी लोन ले सकते हो, तो ये आपके लिए भी है। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट आपको डालना है टर्नओवर, नहीं सॉरी, पहले आप यहाँ पर डालेंगे लोन रिक्वायर्ड, तो 1 लाख से 50 लाख जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ अमाउंट डालने से उतना अमाउंट नहीं मिलेगा कस्टमर को, अगर वो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी अगर उनकी ज्यादा है तो इजीली मिल जाएगा, कम है तो जितने वो एलिजिबल हो रहे हैं लेंडिंग कार्ड डिसाइड करेंगे उतना उनको अमाउंट मिलेगा। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कि लोन कस्टमर को कब चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, ठीक है। कभी कभी होता है कि बिजनेस में आपको 4 हफ्ते के बाद पैसे लगने वाले हैं, आप पहले ही पूरा प्रोसेस करके रख देते हो ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर भागना ना पड़े, 1 हफ्ता 10 दिन रुकना ना पड़े ताकि प्रोडक्शन या सेल्स इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी किस पर्पस से लिया जा रहा है। यहाँ पे पर्पस लिखा जा सकता है, मोस्टली लोग वर्किंग कैपिटल के लिए ही लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स उसी रीजन से लिए जाते हैं बिजनेस में। बाद में सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन टाइप, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आप सही ऑप्शन प्लीज सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा पहले हमने जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखा है, तो अगर आपने गलत चूज किया तो आगे डॉक्यूमेंट्स भी वही मांगे जाएंगे। तो सही तरीके से सही वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। अभी इसके आगे आएगा जो बिजनेस का टर्नओवर है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया मिनिमम 8 लाख, जो एक छोटी सी दुकान भी कर लेती है, साल भर में एक दुकान भी 8 लाख रुपए का सेल्स कर देती है, प्रॉफिट नहीं देख रहे हम, सिर्फ टर्नओवर, राइट, ट्रांजैक्शंस 8 लाख रुपए क्रॉस हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम। तो 8 लाख बहुत ही मिनिमम है, तो ये कोई भी बिजनेस आराम से कर पाता है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है बैंक, जिसके अंदर कस्टमर का करंट अकाउंट है, उसका नाम डालना है, उसकी डिटेल्स, एड्रेस सब आ जाएगा। एक बार आपने वो सारा चीज अपडेट कर दिया, उसके बाद में बाकी जितनी भी मैंडेटरी डिटेल्स है, जो एस्ट्रिक्स में लिखा है ना, वो सारा मैंडेटरी है, वो सारी आपको अपडेट करनी है। उसके बाद में आपका आएगा बिजनेस इंफॉर्मेशन एज पर फील्ड्स मेंशन, ये सारी आपको अपडेट करनी है, ये सारी के सारी कैप्चर करनी है। ये प्रोप्राइटर की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, जो भी है उनका है, प्रोप्राइटर का। उसके बाद में आता है गारंटर की इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर, गारंटर की भी इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, सारी चीजें, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। ये सब कैप्चर हो गया। उसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन भी कैप्चर करनी होती है, कुछ क्वेश्चंस हो गए, एनी अदर लोन EMI, है नहीं है आप पूछ लेंगे, वो सब कैप्चर होगा। तो ये हो गया प्री टर्म डॉक्यूमेंट्स। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट फॉर 12 मंथ्स, तो ये आपको चूज करना है फाइल, तो पहले ही स्कैन करके या PDF को अपने सिस्टम पे सेव कीजिए, उसको नाम दे के रखिए, उस कंपनी का नाम और आगे बैंक स्टेटमेंट 12 मंथ्स, तो अब यहाँ से चूज करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं, राइट। तो जितना अच्छे से आप वेल ऑर्गेनाइज रखोगे उतना ईजी होगा, हर कस्टमर का कभी भी एक फोल्डर बना के काम करें, तो वहां से पिक कीजिए गारंटर का पैन कार्ड, तो उस फोल्डर से आपको सारे फाइल्स चूज करके यहाँ पे अटैच करना है, अपलोड करना है, हो गया डन। जब लोन सैंक्शन होगा ना, उसके बाद में ना पोस्ट टर्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो वो सारे ये है, तो ये सारे आपको डालने होंगे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ लगता है कंपनी का, इंडिविजुअल का एड्रेस प्रूफ लगता है, वो सारे लगेंगे, बिजनेस का प्रूफ, कंसेंट, ये सब आपको लेना है। अभी ये सब आपने कर दिया, आपका एक लीड यहाँ पर जनरेट हो गया, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट में पहला वाला जो दिख रहा है वो है वक्रांगी लीड आईडी, ये इंटरनल आईडी है अपनी,
इसके मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके पहले दूसरे वाले कॉलम में है पार्टनर एप्लीकेशन आईडी। ये क्या है? ये लैंडिंग कार्ट का, खुद का जो लैंडिंग कार्ट के लिए जो आईडी यूज होगा ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो है। और उसके आगे आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेंट का नाम, उसका लोन टाइप, उसका लोन का अमाउंट, उसका स्टेटस, और उसके आगे होता है व्यू पीडीएफ फॉर्म। ये जो अपने पूरा फॉर्म बनाया वो पीडीएफ में अवेलेबल है। अभी समझिए, कोई इश्यू आया, टिकट रेज करो वीकेएमएस में, माय वीकेएमएस पे जाइए, माय सपोर्ट रिक्वेस्ट, टिकट रेज होगा। या डिटेल्स जाननी है, माय डाउनलोड पे जाइए, फाइनेंशियल सर्विस सिलेक्ट कीजिए, नीचे लोन सिलेक्ट कीजिए, पीडीएफ मिलेंगे। उसमें पीडीएफ में आप लर्न कर सकते हो, फ्रेंचाइजी लोन का ट्रेनिंग मैनुअल है वहां पर, आप वहां से समझ सकते हो, बिजनेस लोन ट्रेनिंग मैनुअल भी यूज कर सकते हो, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अभी एंड ऑफ डे चेकलिस्ट क्या होगा? ठीक है, दिन के आखिर में आपको ये चीज करनी जरूरी है। सबसे पहला, आपको दिन भर में जो लीड्स आई ना, कहीं पर ट्रैक रखिए, उसको चेक करो आपने वीकेएमएस में लीड बनाई नहीं बनाई। बहुत बार ये ऐसे होता है कि दिन में 50 कस्टमर आए, उसमें से 10 जन अपने बिजनेस लोन के लिए थे, हमने लीड बनाई लेकिन 9 बनाई, एक रह गया। ठीक है, उसका आपने शायद फोल्डर बना के सेव किया और रह गया। तो चेक कीजिए डेली बेसिस पे कितने आए, सबकी लीड आपने बनाई वीकेएमएस पे, नहीं बनाई। नेक्स्ट, आप स्टेटस चेक करोगे लीड का जो 7 दिन से पुरानी है। देखिए, लैंडिंग कार्ड का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, वो 7 दिन में या तो रिजेक्ट कर देंगे या तो अप्रूव करेंगे। तो जो 7 दिन से पुरानी लीड हो चुकी है, वहां पे स्टेटस देखो क्या दिख रहा है, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, क्या है, आपको दिख जाएगा उधर। कस्टमर से भी चेक करो आप, कुछ नहीं दिख रहा है स्टेटस, कस्टमर से भी बात कीजिए आप कि क्या उनको कॉल आया लैंडिंग कार्ड से, नहीं आया, मैसेज आए, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो आपको ही पता चलेगा कि आपके लीड पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे अगर कस्टमर को एसएमएस या ईमेल आया है, और मतलब जान लीजिए कि उनको मिला है नहीं मिला है, कौन सा मिला, क्या कम्युनिकेशन था, ऐसे। ठीक है, अगर कोई इश्यू आता है, आप पहले टिकट रेस कीजिए वीकेएमएस में, और उसके साथ में वही टिकट आप अपने एफआरएम को, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर, जिसकी डिटेल्स वीकेएमएस के होम पेज पे होती है, उन्हें आप ईमेल लिखिए, उसमें वो टिकट नंबर, आपका स्क्रीनशॉट या जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डालिए, उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एंड से कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज सके। उसके अलावा आप सेम ईमेल को वो टैट होने के बाद santosh.patole को भेज सकते हैं। अगर उनसे भी नहीं हो रहा, उनका भी एक टैट होगा, वो ट्राई करेंगे, उसमें रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसे फर्दर एस्केलेट कर सकते हो ravi.bhavnani@vakrangi.in पर। और ये भी आपको सेम हेल्प प्रोवाइड करेंगे आपके इशू के लिए। इतना ही था लैंडिंग कार्ट के लोन के बारे में, जो फ्रेंचाइजी लोन जो आप ले सकते हो, या बिजनेस लोन जो आप अपने कस्टमर को देते हो। तो सिर्फ लीड जनरेट करके आप एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो खुद के लिए। तो यही था आज का ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद।